हेलो दोस्तों, मजगांव डॉक के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे क्वार्टर टू के रिजल्ट, डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी बात करेंगे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को लेके। आप देखोगे यहाँ पे आपको क्वार्टरली और सिक्स मंथ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अमाउंट इन रुपीज़ लैक्स में दी गई है, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इनकम हमें देखने को मिली, 3000 करोड़ प्लस की इनकम रही, जबकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2628 करोड़ की, और उससे पिछली बार आप देखोगे 2079 करोड़ की हमें जो है इनकम देखने को मिली। इनकम में क्यू एन क्यू बेसिस पे और आप देखोगे हाफ ईयरली बेसिस पे भी जंप है। साथ में अगर बात की जाए एक्सपेंस की तो एक्सपेंस 2270 करोड़ के, जबकि पिछली बार 1739 करोड़ के, और उससे पिछली बार आप देखोगे तो 1672 करोड़ के हमें एक्सपेंस देखने को मिले थे। अब की बार थोड़े से एक्सपेंस जरूर बढ़ते हुए नज़र आई हैं, बाकी स्प्लिट के रिगार्डिंग कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले हैं, इसी वजह से एक जंप जो है आते हुए नज़र आया है। तो बाकी बात की जाए इसके प्रॉफिट को लेकर, थोड़ा सा जरूर टूटते हुए नज़र आया है प्रॉफिट हाई एक्सपेंस के चलते, क्योंकि अब की बार थोड़े से एक्सपेंस इसके जो है बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात की जाए, टैक्स वगैरह काट के आप देखोगे तो जो प्रॉफिट देखने को मिला है करीबन हमें जो है 585 करोड़ का, जबकि पिछली बार आप देखोगे 696 का, और उससे पिछली बार देखोगे 332 का। तो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट टूटते हुए नज़र आया, पर प्रीवियस ईयर के मुकाबले प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को हमें मिला है। 16.50 रुपये से अब की बार का जो EPS रहा है वो हमें देखने को मिला है 29 रुपये का, जबकि पिछली बार का 34 रुपये का हमें देखने को मिला है। बाकी लेटेस्ट अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए तो हाल फिलहाल ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। बाकी डिटेल में ये जो 12 पेजेस की रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकते हो। 22 अक्टूबर की ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 23 रुपये का अनाउंसमेंट किया था। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।